ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। राजस्थान के जालौर में एक शादी के दौरान खुलेआम फायरिंग की गई। शादी समारोह में DJ के धुन पर चार लोगों ने तमंचा लहराते हुए हवा में फायरिंग की। तमंचे पर डिस्को करने वाले ये चार लोग हवा में फायरिंग भी की। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि आसपास बच्चे भी मौजूद हैं। अगर कोई हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? कोर्ट के आदेश के बावजूद खुलेआम लोग शादी समारोह में कानून की धज्जिया उड़ाते हुए तमंचे पर डिस्को किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा कौन? देखें कानून का मजाक उड़ाते तमंचे पर डिस्को करते हुए ये वीडियो। वहीं बिहार के रोहतास में भीड़ का कहर एक बार फिर सामने आया है, जहां बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने दो महिलाओं की जमकर पिटाई की है। मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर बिहार की है। बीच चौराहे पर सरेआम महिलाओं की पिटाई की गई। इतना पीटा गया कि ये महिलाएं अधमरी हो गईं। हैरानी तो इस बात से होती है कि पुलिस वहां मौजूद थी, मगर पुलिस भी तमाशबीन बनी रही। देखें ये पूरा वीडियो किस तरह से बच्चा चोरी के शक में इन महिलाओं की पिटाई की गई है। यानी पुलिस के सामने महिलाओं की पिटाई होती रही, कानून का लोगों में ज़रा भी डर नहीं है। बहरहाल जैसे तैसे कर महिलाओं को भीड़ के चंगुल से पुलिस छुड़ा कर थाने ले गई, लेकिन पुलिस के सामने दो महिलाओं की हुई पिटाई कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।